हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम इजीजेट टेक प्लस बॉक्स का लेसन 15 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा रिकवरी फ्रॉम ईएमएमसी। ईएमएमसी से डेटा रिकवर किस तरह से किया जाता है, किन कंडीशंस में ईएमएमसी से डेटा रिकवर करना पॉसिबल है, किन कंडीशन में डेटा रिकवर करना इम्पॉसिबल है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और किस तरह से हम ईएमएमसी से डेटा रिकवर करेंगे, जिन भी कंडीशंस में पॉसिबल है उनके बारे में बात करेंगे, और आपको एक फ़ोन से हम डेटा रिकवर करके भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इजी अटैक बॉक्स जो है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे कि उसका एक क्लासिक सूट आता है, उसके अलावा ईएमएमसी के उसका जो मॉड्यूल है उसमें एक ईएमएमसी टूल 2 आता है, उसके अलावा एक ईएमएमसी मैनेजर आता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे उसके अंदर मॉड्यूल्स और सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जिसमें आज हम जो डेटा रिकवर करने वाले हैं वो स्पेशली इजीजेटेक का जो ईएमएमसी फाइल मैनेजर है उसमें करने वाले हैं। और देखिए, स्पेशली ये ईएमएमसी मैनेजर जो है इस तरह के काम करने के लिए ही बनाया हुआ है। नॉर्मली हम ईएमएमसी प्रोग्रामिंग के लिए ईएमएमसी टूल 2 यूज़ करते हैं, और नैंड चिप और बाकी यूएफएस जैसी जो चिप्स हैं उनके ऊपर हम काम करने के लिए इजीजेटेक का क्लासिक सूट यूज़ करते हैं। तो डेटा रिकवरी के लिए हम इजीजेटेक के ईएमएमसी फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, डेटा रिकवरी से पहले आपको एक हम बात बता देते हैं कि जितनी भी जो ईएमएमसी होती हैं उसमें अगर एनक्रिप्टेड होती है, मतलब किसी ईएमएमसी के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी लॉक, पैटर्न, पिन, पासवर्ड, इस तरह का कुछ भी उसके ऊपर सिक्योरिटी पोर्शन है, मतलब ईएमएमसी अगर एनक्रिप्टेड है, तो उस ईएमएमसी से आप डेटा रिकवर नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल में इजीजेटेक, यूफाई, मेडूसा, जितने भी ईएमएमसी बॉक्स हैं इनमें से किसी में भी एनक्रिप्टेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की अभी इसमें अथॉरिटी नहीं है, मतलब अभी इसमें ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि एनक्रिप्टेड ईएमएमसी को भी उसमें एक्सट्रैक्ट करके आप डेटा को रिकवर कर सकें, लेकिन देखिए ये फ्यूचर की बात है, इन डिवाइसेस में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन देखिए, जितने भी जो एनक्रिप्टेड स्टोरेज होते हैं उन्हें फोरेंसिक टूल से ओपन किया जा सकता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं और इजीली मोबाइल टेक्नीशियंस नहीं ले पाते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और इनके सॉफ्टवेयर को लेकर के भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं कि क्यों नॉर्मली ये टेक्नीशियंस को नहीं मिल पाते। खैर, इस टॉपिक के ऊपर हम एक बाद में वीडियोस बनाएंगे और इसके ऊपर भी पूरी हम एक कम्प्लीट सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल में अभी हम बात करने वाले हैं अनइनक्रिप्टेड ईएमएमसी की, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई पैटर्न, पिन, पासवर्ड या लॉक नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, फिलहाल में हम जो अभी आपको ये लेसन बना रहे हैं, स्पेशली जो इजीजेटेक के ईएमएमसी फाइल मैनेजर में जो डेटा रिकवरी का ऑप्शन है उसको बताने के लिए, ज़्यादातर लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा रिकवरी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो लॉक्ड फ़ोन में या इनक्रिप्टेड ईएमएमसी में ही होती है। तो फिलहाल में जैसा कि हमने बताया, इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में एक लेसन बनाएंगे, लेकिन अभी जो अनइनक्रिप्टेड ईएमएमसी होती है और इजीजेटेक के ईएमएमसी फाइल मैनेजर से हम किस तरह से डेटा को रिकवर कर सकते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक सैमसंग का हैंडसेट है, हालांकि इस मॉडल का जो पीसीबी है वो बीच में से क्रैक है। आपको सभी को पता है जो सैमसंग J2 का पीसीबी होता है वो एल शेप में आता है, तो ये बीच में से पीसीबी टूटा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह से कोई लॉक नहीं लगा हुआ है। और इस कस्टमर को स्पेशली उसका डाटा ही चाहिए, क्योंकि फ़ोन पुराना है और उसे सिर्फ डेटा से मतलब है, तो इसलिए हमने सोचा कि ट्रेनिंग लेसन में इस फ़ोन को कवर कर लेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको इजीजेटेक के ईएमएमसी फाइल मैनेजर के बारे में भी बता सकें। तो देखिए, हमने इस फ़ोन को ISP जंपर से कनेक्ट किया है, तो हम यहाँ पर ISP के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, और बाकी वोल्टेज और क्लॉक सिग्नल और बस विड्थ जो है उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले कनेक्ट टू इजीजेटेक बटन पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए, इजीजेटेक प्लस का जो ईएमएमसी फाइल मैनेजर है, इसमें ईएमएमसी को जब हम मतलब बॉक्स को जब कनेक्ट करते हैं तभी हमारी ईएमएमसी जो है इसमें आइडेंटिफाई हो जाती है,
और इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आती है। नॉर्मली जब हम किसी भी ईएमसी को कनेक्ट करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके पार्टीशन से रिलेटेड, ईएमसी की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और एंड्रॉयड वर्जन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन EasyJTech का जो ईएमएमसी फाइल मैनेजर इनका सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर ईएमसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है, और जितने भी हम जैसे जो कनेक्शन करते हैं जैसे उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। देखिए जैसे यहाँ पर ईएमसी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है पूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पार्टीशंस की इन्फॉर्मेशन है, और इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पार्टीशन से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारा एंड्रॉयड का वर्ज़न है, और यहाँ पर देखिए आप बाकी जो वोल्टेज वगैरह कितना यहाँ पर लेकर के इसे कनेक्ट किया है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखिए, पुल अप लेवल कितना है, कितने मिली वोल्ट दिया हुआ है, कितना वोल्टेज का लेवल है, तो इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इस ईएमसी फाइल मैनेजर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं ईएमसी से रिलेटेड, लेकिन फ़िलहाल में अभी हम सिर्फ ईएमसी डेटा रिकवरी से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्राउज का टैब जो आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो ईएमसी है वो ऐसा फाइल मैनेजर आपको यहाँ पर शो होती है, जिसमें ऊपर हमारे जो तीनों ही पार्टीशन है ROM 1, ROM 2, ROM 3, मतलब हमारा boot 1, boot 2 और यूज़र एरिया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी ईएमसी है उसके अंदर जितने भी जो पार्टीशंस बने हुए हैं उन्हें हम यहाँ पर फाइल मैनेजर जैसे ब्राउज कर सकते हैं, जिस तरह से हम हमारे फ़ोन के इंटरनल फाइल मैनेजर से फोल्डर वाइज हम सारी फाइलों को और फोल्डरों को देखते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो यूज़र का डेटा होता है वो यहाँ पर देखिए आप, एक यूज़र डेटा नाम का पार्टीशन है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो फ़ोन का अंदर इंटरनल जो यूज़र एरिया है उसके आप फोल्डर्स यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें डेटा रिकवर करने के लिए एक फ़ोल्डर होता है मीडिया, इस फोल्डर में हमें जाना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ज़ीरो नाम से एक और फोल्डर है, और इसके अंदर जो भी आपको फाइल एंड फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं वही फाइल एंड फोल्डर्स आपको आपके फ़ोन के फाइल मैनेजर में देखने को मिलेंगे। मतलब कि जब भी हम हमारे फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाते हैं उसके बाद हमें जो भी फोल्डर्स और जो डेटा हमारे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलता है वही डेटा एज इट इज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब जो हमारा फाइल मैनेजर फ़ोन का होता है वो अभी यहाँ पर ओपन हो चुका है EasyJTech Plus Box के ईएमसी फाइल मैनेजर में। और देखिए जैसे हमारा WhatsApp का फोल्डर, जेंडर का फोल्डर, इस तरह से आप सभी फोल्डर को देख रहे हैं, और जैसे हमारा कैमरे का जो फोल्डर होता है वो DCIM में एक कैमरा नाम से फोल्डर होता है, ये देखिए यहाँ पर यूज़र के इमेजेस आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से पर्टिकुलर एक एक इमेज को या किसी भी मीडिया फाइल को, मतलब ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, किसी भी फाइल को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ऑप्शन होता है इसके अंदर रीड सिलेक्टेड, यहाँ से आप पर्टिकुलर वन बाय वन भी रीड कर सकते हैं, और किस तरह से आप फोल्डर वाइज इसे रिकवर कर सकते हैं हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम नाम देंगे इसे कैमरा इमेजेस, इसे नाम देंगे हम। देखिए यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो सेव हो चुकी है, हम फोल्डर को ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर हमने बनाया था Samsung J2 कैमरा इमेजेस। तो देखिए यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, मैं फिलहाल में भी इस इमेज को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर के फ़ोन की जो कैमरे की इमेजेस है वो रीड हो चुकी है। और अगर आप चाहें तो इसे एज इट इज़ पूरे के पूरे फाइल मैनेजर को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से होता है। तो देखिए अगर आपको फोल्डर वाइज पर्टिकुलर किसी फोल्डर से कोई इमेज, ऑडियो या वीडियो अगर लेना है तो इस तरह से आप बैकअप कर सकते हैं इस यूज़र डेटा पार्टीशन में जा करके। यहाँ पर आप जाएंगे तो हमने बताया आपको जैसे कि मीडिया का फोल्डर होता है उसके अंदर जीरो नाम से ही हमारा रूट फोल्डर होता है जहाँ से हमारा फाइल मैनेजर जो है वो ओपन होता है। तो यहाँ से आप जो भी चाहें वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब जो भी हमारे फ़ोन से हमें डेटा रिकवर करना है उसे आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से आप पूरा इंटरनल स्टोरेज, मतलब पूरा एंटायर
यूज़र एरिया को किस तरह से रीड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर यहाँ पर नीचे की तरफ तीन ऑप्शन होते हैं, एक्सट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट, SMS, और उसके अलावा आप चाहें तो यूज़र फाइल्स, यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो SMS, कॉन्टैक्ट वगैरह, उसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल में अभी हम यहाँ पर यूज़र फाइल को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट यूज़र फाइल, यहाँ पर फोल्डर की लोकेशन आ चुकी है और यहाँ पर हम हमारे फोल्डर सैमसंग J2 को ही सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने इसे ओपन कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक विंडो और ओपन हुई है फोल्डर की लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी सेव ऑल पर टिक है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा रिकवर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, सपोज़ कोई कस्टमर हमें ये कहता है कि हमें सिर्फ इमेज का डेटा रिकवर करना है, मतलब सिर्फ इमेज रिकवर करना है, तो यहाँ से आप उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से MP3, वीडियो, जितने भी फॉर्मेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, पर्टिकुलर आप सिर्फ उन इमेज को ही या उन फाइल्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिर्फ MP3 रिकवर करना है, मतलब ऑडियो फाइल रिकवर करना है, या फिर इमेज फाइल करना है, वीडियो फाइल करना है, सभी के फॉर्मेट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि एंटायर यूज़र एरिया, मतलब जिस तरह से फ़ोन के अंदर जितना भी डेटा और फोल्डर्स है, उन सभी को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एज इट इज़, पूरा की पूरा 100% डेटा, तो यहाँ पर आप सेव ऑल पर ही टिक लगे रहने दीजिए और इसे जस्ट आपको ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा यूज़र डेटा जो पार्टीशन है, वो पूरा ही उसका डेटा जो है वो रीड होना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए यहाँ पर हमारे जो डेटा रीडिंग है उसकी स्पीड आप देख सकते हैं। और अब हम उस फोल्डर को भी ओपन करेंगे जहाँ पर हमारी फ़ाइल रीड हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर हमने सैमसंग J2 के नाम से फोल्डर बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 नाम का फोल्डर बन चुका है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर फोल्डर वाइज डेटा रीड होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि देखिए फाइल मैनेजर में जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं वो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर जो है वो रीड होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले एंड्रॉयड का फोल्डर हो रहा है, फिर इसमें DCIM और इस तरह से जितने भी अल्फ़ाबेटिकली जो यहाँ पर अरेंज्ड हैं वो सभी फोल्डर रीड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस EMMC का जितना भी जो इंटरनल डेटा है वो एज इट इज़ रीड हो जाएगा फोल्डर वाइज। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने ये MMC जो है ISP जंपर से कनेक्ट किया हुआ है, और आप सभी को पता है कि ISP जंपर के अंदर स्पीड कम आती है जब भी हम किसी MMC को ISP जंपर से कनेक्ट करते हैं। अगर इस MMC को हम BG एडाप्टर में लगाते तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट आती, लेकिन फ़िलहाल में इस फ़ोन में हमें डेटा इम्पोर्टेंट था, और क्योंकि ये सैमसंग J2 का MMC और काफ़ी पुराना हैंडसेट है ये, और इसके अंदर बहुत काम भी पहले से किया हुआ है, कस्टमर का डेटा इम्पोर्टेंट था, इस वजह से हमने इसकी MMC को PCB से बाहर नहीं निकाला है, डायरेक्टली हमने ISP जंपर करे हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर टोटल 6 जंपर जो हैं वो लगे हुए हैं, CMD, CLK, डेटा ज़ीरो, ग्राउंड और VCC और VCCQ। इसमें हमने USB केबल को कनेक्ट नहीं किया है। एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा जिसमें जो इसकी लाइव रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसमें हमने यहाँ पर अभी बॉक्स को कवर नहीं किया था, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे ही फोल्डर के अंदर जो है डेटा यहाँ पर रीड होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, जैसे हम WhatsApp का फोल्डर है, WhatsApp के फोल्डर में मीडिया, ये देखिए यहाँ पर ऑडियो और वीडियो फाइल यहाँ पर जो है इसके अंदर रीड हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र का डेटा जो है वो रीड हो रहा है, इसके अलावा ऑडियो फाइल भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूज़र का डेटा है वो इसके अंदर अवेलेबल है, हालांकि हम इसे फुल स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है। किसी भी कस्टमर के डेटा को इस तरह से हम इस ट्रेनिंग वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे क्योंकि किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड है, किसी की प्राइवेसी को डिस्ट्रैक्ट करना गलत बात होगी, इस वजह से हम यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन पर डेटा इनका नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है हम MMC से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो EasyJTAG का MMC फाइल मैनेजर है ये बहुत ही एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, और इसके बारे में हम आगे भी बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं आगे आने वाले ट्रेनिंग लेसन्स में
हम इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि और भी बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता हो सकती है कि इसके अंदर और क्या क्या काम होता है, तो इसको भी हम बाद में कवर करेंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर सारे ही ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इतना ऑप्शन देख करके आपको भी समझ में आ गया होगा कि EasyJTech का EMMC फाइल मैनेजर बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है, और इसे हम बिल्कुल आगे आने वाले लेसन्स में, ट्रेनिंग लेसन्स में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्योंकि डेटा बहुत सारा है और ये बहुत देर तक चलने वाला है, हमारा जो मेन मोटिव था आपको किसी भी EMMC से किस तरह से आप डेटा रिकवर कर सकते हैं वो बताना था। और जितने भी जो हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनके मन में ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि सर आपने अनइनक्रिप्टेड से तो बता दिया, लेकिन एनक्रिप्टेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लॉक्ड फ़ोन से डेटा रिकवर करना, उसके बारे में नहीं बताया। तो देखिए, ऐसा है कि अभी जितने भी जो बॉक्स हैं वो कैपेबल नहीं है एनक्रिप्टेड EMMC और स्टोरेज से डेटा रिकवर करने में, हो सकता है लेकिन इन फ्यूचर इन बॉक्सों में इसकी अपडेट आ सकती है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल में अभी किसी भी बॉक्स में, चाहे वो EasyJTech हो, UFI हो, Medusa Pro हो, MIPI हो, किसी में भी अभी एनक्रिप्टेड स्टोरेज को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से डेटा निकालने का अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। इस वजह से अभी तक कोई इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन देखिए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जितने भी जो स्टोरेज होते हैं जो एनक्रिप्टेड होते हैं उनमें से डेटा निकाला जा सकता है, अभी भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जो एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर और टूल्स लगते हैं वो फॉरेंसिक लेवल के होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और उनके सॉफ्टवेयर को लेकर के भी थोड़ा इशू होता है, जिसके बारे में हम बाद में एक वीडियो के अंदर उसे कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड जो अभी टॉपिक हमने अनइनक्रिप्टेड EMMCs है, EasyJTech के EMMC फाइल मैनेजर में जो डेटा रिकवर करने का आपको ऑप्शन बताया, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन हैं आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, हम 101% उसका आपको रिप्लाई में आंसर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं।